हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जेसिका चैनल ज्योतिका। मैं आज आप लोगों को मीशो से अनस्टिच ड्रेस मटेरियल दिखाने वाली हूं। आप लोगों को अनस्टिच ड्रेस मटेरियल का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं मीशो से लेके आई हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को मिंत्रा से दिखा चुकी हूं। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूं। मैंने अभी ओपन करके भी नहीं देखे, आप ही लोगों के सामने ओपन करूँगी कि ये मुझे कैसे रिसीव हुए हैं, इनकी क्वालिटी कैसी रिसीव हुई है। तो आइए वन बाय वन फर्स्टली देखना चालू करते हैं। ये कुछ इस तरह से है, फर्स्ट पैकेट ओपन करके देखते हैं। और अगर आज आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फर्स्टली सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए इस पैकेट को ओपन करते हैं। तो आइए इसे देखते हैं, ये कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट ड्रेस मटेरियल है ये इस तरह से बहुत सुंदर जो है वो हल्दी येलो कलर में है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसका कलर लग रहा है। येलो के अलग अलग शेड आते हैं, बट ये वाला शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आइए इसे ओपन करके देखते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट देखते हैं इसका टॉप वेयर, दैट मीन्स जिसकी कुर्ती बनेगी। ये कुछ इस तरह से, इस पर बहुत ज़्यादा, ये जॉर्जेट मटेरियल का है और इस पर जो है पूरा बनारसी वर्क टाइप, बनारसी वर्क किया गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिलने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इस पर पूरे पे ही आगे की तरफ इस तरह से वर्क किया गया है एंड नीचे की तरफ इस बॉर्डर वाली डिटेलिंग की गई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। पीछे से देखेंगे ये तो ये प्लेन आपको रिसीव होगा और इसका जो मटेरियल है वो कुछ थोड़ा सा अलग है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये इसका टॉप वेयर। इसके बाद बॉटम वेयर की बात करेंगे, तो बॉटम वेयर में आपको जो है उसके इनर का भी मिला हुआ है और बॉटम वेयर का भी क्लॉथ मिला हुआ है। क्योंकि ये पतला है तो इसमें इनर लगाया जाएगा, तो इनर का भी क्लॉथ आपको इसमें मिल जाएगा और बॉटम वेयर का भी मिल जाएगा। ये क्रेप मटेरियल में है, एकदम इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रिसीव हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से है, क्रेप मटेरियल है, बट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो अच्छा लग रहा है। इसके बाद दुपट्टे की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह से इसमें दुपट्टा आप लोगों को रिसीव होगा। इस पे भी वर्क किया गया है, साइड में जो है पाइपिंग वाली लेस की डिटेलिंग की गई है। इस दोनों पे ही जो है वो गोल्डन कलर का वर्क किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है दुपट्टा भी, तो ये ओवरऑल जो मुझे सेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पार्टीज़, फंक्शन, वेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। हल्दी जो आगे वेडिंग्स वगैरह आ रही हैं उसमें हल्दी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रि, दिवाली, गणेश चतुर्थी, सब में आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सेट लग रहा है। इसके नेक्स्ट जो दिखाने वाली है इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। आइए मैं आप, अनबॉक्सिंग करते करते मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो है ये कुर्ता सेट है, काफ़ी ज़्यादा सही अनोक ब्रांड का है। आई थिंक मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, काफ़ी ज़्यादा पहले मंगाया था, शायद 2-2.5 साल इसको हो गए हैं। मैं इसको मशीन वॉश भी करती हूँ, हैंड वॉश भी करती हूँ, तो और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब तो इसके रिप्लिका भी मिलने लगे हैं मीशो पे, तो मुझे उसका तो नहीं आइडिया है, बट इसका क्लॉथ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है और वॉश मतलब मशीन वॉश करने के बाद बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं सेकंड, ये कुछ इस तरह से है। इसके कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आई थिंक मैंने सभी जो है वो अलग अलग कलर्स में ऑर्डर किए हुए हैं। ये कुछ इस तरह से है, ब्राउनिश ब्राउन शेड में है, ग्रे और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी एक पार्टी वियर जो है ड्रेस मटेरियल है। एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से है। तो इसको ओपन करके देखते हैं और इसका मटेरियल भी पकड़ने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनका सबका मटेरियल मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एकदम बोलने में गलती भी हो जाती है, जो हम लोगों को लगता है वो बता देते हैं।
तो ये कुछ इस तरह से देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये जो बीच की एम्ब्रॉयडरी है ना, ये पूरी नीचे तक गई है और साइड में जो है वो छोटे छोटे से फ्लावर बनाए गए हैं, बहुत फिनिशिंग से और कलरफुल एम्ब्रॉयडरी है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहले ही बता दिया, पकड़ने पर ही पता चल रहा है। नीचे की तरफ जो है वो इस तरह से बॉर्डर टाइप में बनाई गई है एम्ब्रॉयडरी की ही, और पीछे आपको ये पूरे प्लेन मिलेगा। ये स्टिच करने के बाद सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सभी के प्राइस मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि मैंने इन्हें कितने प्राइस पे परचेस किया है। एंड इसके बाद जो देखते हैं, इसके बॉटम वियर और इनर का जो है क्लॉथ आपको दिया हुआ है, इसमें भी इनर अटैच होगा। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा शाइन टाइप में है इसमें, तो ये जब इसमें लगेगा कुर्ती में तो एक अलग ही शाइन निकल के आएगी। और इसी का आप बॉटम वेयर बनवा सकते हैं, कुछ भी प्लाजो या ट्राउज़र पैंट वगैरह सलवार कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद दुपट्टे की बात करते हैं, दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अच्छे मटेरियल का मिला हुआ, बहुत ज़्यादा सही है। एंड ये कुछ इस तरह से है, इस पे भी पूरे पे जो है बीच बीच में एम्ब्रॉयडरी की गई है, फ्लावर बनाए गए हैं, साइड में लेस लगाई गई है गोल्डन कलर की, और दुपट्टे में भी अच्छी खासी शाइन है। तो ये सेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी अच्छी है। और ये आपको जो है वो ये भी फेस्टिवल में पहन सकते हैं, वेडिंग वगैरह में ले सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं, या फिर पार्टीज़ वगैरह में बहुत अच्छा एक सूट है ये बहुत अच्छा ड्रेस मटेरियल है। इसके बाद नेक्स्ट पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं। सावी झूले में झूल रही है, तो ओके ये भी येलो कलर में है। मुझे लगा मैंने सभी अलग अलग कलर के ऑर्डर किए हैं, बट ये येलो है पर डिफरेंट है, ये कुछ इस तरह से। आइए इसे ओपन करके देखते हैं, साइड में सभी के पिक्चर भी अटैच करती जाऊंगी। इसका क्लॉथ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये एक्चुअली थोड़ा मोटा सा है, तो ये आपको सर्दियों में भी सही रहेगा, मतलब सर्दी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। ये ऐसे पास से बताती हूँ, है कॉटन मटेरियल ही पर थोड़ा मोटा कॉटन मटेरियल है। अच्छा, इसमें एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, बताती हूँ, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बीच में जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है, अभी मुझे एक्चुअल याद नहीं है मैंने कौन कौन से ऑर्डर किए थे, पिक्चर साइड में अटैच करती जाऊँगी। इस पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है जो नेक पे आएगी, केवल नेक के लिए ही इसमें ये एम्ब्रॉयडरी दी गई है। इसके बाद यहाँ तक पूरा प्लेन है और नीचे की तरफ साइड में एम्ब्रॉयडरी दी गई है, साइड में जो पैचेस बने रहते हैं ना उस तरह से साइड में एम्ब्रॉयडरी है। बट एम्ब्रॉयडरी अच्छे से बताती हूँ, इसमें जो है वो बीड्स भी लगाए गए हैं, हाफ जो मोती रहते हैं उस टाइप के लगाए गए हैं, और एम्ब्रॉयडरी ज़रूर फिनिशिंग से है, थोड़ा मोटा क्लॉथ मटेरियल है। पीछे की तरफ ये पूरा प्लेन मिलेगा और नीचे की तरफ इस तरह से बॉर्डर भी लगाई गई है, बॉर्डर बनाई गई है क्लॉथ की ही। तो ये है कुछ इस तरह से, ये जो सर्दियों में वेडिंग आती है ना, दिवाली वगैरह में, उसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है अक्टूबर के बाद विंटर ही सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। एंड कॉटन मटेरियल का आपको बॉटम वियर मिलता है कुछ इस तरह से, सी ग्रीन टाइप में, ये कॉटन का है। इसके बाद बात करते हैं दुपट्टे की, दुपट्टा भी आपको कॉटन मटेरियल का मिलेगा। दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी की गई है इस तरह से येलो और सेम कलर में, फ्लावर बनाए गए हैं, लीफ की डिज़ाइन है, और यहाँ पे गोल्डन कलर की डिटेलिंग की गई है, बट ये क्लॉथ में ही है, क्लॉथ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सेट भी अच्छा है, बट इसका जो कपड़ा है वही मुझे थोड़ा मोटा लगा, तो विंटर के हिसाब से अच्छा है, विंटर की वेडिंग में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्सल की, नेक्स्ट और लास्ट पार्सल, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है जेसी के चैनल ज्योति का नाम की, तो आप वहाँ पे और वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैं पहले काफ़ी पहले कलेक्शन दिखा चुकी हूँ फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, वेडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो भी देख सकते हैं।
तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। इसका क्लॉथ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सही है। आपके जो चारों ड्रेस मटेरियल है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए इस पर काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयड्री की गई है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सिक्वेंस का वर्क किया गया है, एम्ब्रॉयड्री बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से है और कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ड्रेस मटेरियल का भी कलर और जो एम्ब्रॉयड्री की है उसका भी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आइए इसे ओपन करके देखते हैं फटाफट से। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। अभी मुझे एक्चुअल में इनके प्राइस याद नहीं है, बट जितने भी प्राइस हो कोई भी आई थिंक 1000 के ऊपर तो नहीं था। आई थिंक 1000 तक भी नहीं गया, कुछ कुछ तो 500 के आसपास ही थे। बट मुझे ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। कपड़ा देखिए इसका जो है वो शाइन टाइप में है। इसका क्लॉथ मटेरियल देखिए काफ़ी ज़्यादा सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पकड़ने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिल्क मटेरियल है एक्चुअल में, एंड यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक पे है ये वाली जो सिक्वेन वाला वर्क है, बाकी पूरे में जो है वो छोटे छोटे फ्लावर वाली डिज़ाइन मिलेगी। नीचे की तरफ बॉर्डर नहीं बनाई गई है, पूरे नीचे तक आपको इसी तरह से फ्लावर वाली डिज़ाइन आएगी। एंड पीछे से ये प्लेन आएगी, इसमें किसी भी तरह के लाइनिंग की नीड नहीं है। ये अपने आप में ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका क्लॉथ मटेरियल भी एक जो है पार्टी वेयर वाइब दे रहा है। तो आज का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हो गया है। एंड ये जो है वो रेड कलर का मिला है इसमें बॉटम वेयर। एंड इसके बाद बात करते हैं दुपट्टे की। दुपट्टा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पता नहीं कौन सा इसका मटेरियल है, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। दुपट्टे में कुछ इस तरह से वर्क किया गया है। सभी के मटेरियल भी लिख दूंगी, क्योंकि अगर किसी का मटेरियल मैंने गलत बताया होगा तो उसको भी करेक्ट करके लिख दूंगी। बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है। तो ये सेट भी बहुत ज़्यादा सही है, ये भी ले सकते हैं। सभी फेस्टिवल और पार्टीज़ के हिसाब से कलेक्शन है। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मेरा ये कलेक्शन देख पाए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। उसमें भी फेस्टिवल और पार्टी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। डेली वेयर कुर्तीज, कुर्ता सेट सबका कलेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।